अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपकी अपनी सुफिया खान और मेरे साथ है ज़रो मेरा मेकअप आर्टिस्ट। कैसे आप सर? ये जो चैनल है ना ज़रो बताओ अगर। ये अर्शद शराजी जी का चैनल है। अर्शद शराजी ये उनका चैनल है। इसपे हमारी वीडियो माशाल्लाह खूब वीडियो आएंगी, बड़ा मजा आएगा, आप लोग एंजॉय करेंगे और बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। बहुत अच्छी मेरे नाल तो बाल तो चंगे लग रहे हैं। देखे गाइस एक मिनट दिखाओ, ये देखे कितने सिल्की और कितने प्यारे फुल ब्लैक बाल है। देखो ना खुद भी कितने क्यूट है माशाल्लाह। खरवे खरवे बड़े। गाइस हमारा ना कैमरा नहीं सेट हो रहा था तो इसीलिए हमने ना कहीं भी उसे अड़ा दिया है। दुआ कीजिएगा सारे मेरे लिए कि मैं जल्दी जल्दी स्मार्ट हो फिगर मैं अपना बड़ा वीआईपी बनाऊंगी अब बहुत जल्दी इंशाल्लाह। और हमारे साथ आई है अफशा खान। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? ये अफशा खान है, ये भी मेरे साथ इधर फैसलाबाद मनरवा थिएटर में हम सब ड्रामा कर रहे हैं। हमारे साथ बड़ी प्यारी कास्ट है, बहुत बड़ी सुपरस्टार हमारे इस टाइम साथ है जिनका नाम है सैमा खान। वो आए हुए हैं इधर हमारे साथ ड्रामा कर रहे हैं, वो भी अपने रूम में तैयार हो रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह जल्दी दिखाएंगे हम आपको उनको भी। और ये हमारा चैनल है, इसको आप सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल खूब इंजॉय करना आप लोगों ने। मैं अब बाल बनवा लूंगी। पानी पड़ा पानी खत्म हो गया, वो हमने बोल तक नहीं भाई बेटा। अर्शद शराजी जी का, अर्शद शराजी, अर्शद शराजी को भी हम बीच में लेके आते हैं। शराजी साहब आए सर, आए ना आए ना, वो भी बहुत सब वाले शर्मा रहे शायद मेकअप भी किया है। मैंने ऐसी बात नहीं है, मैंने कहते हैं इनकी सोलो वीडियो बन जाए, मेरी इनके साथ पहले भी अभी नहीं कोई मसला नहीं है तो सारे कटे बनाए ना तो एंजॉय होती है, मजा आता है। बड़ा अच्छा गाना कह रही है सोफिया जी, कौन सा गाना? खिच खिच के तो सीने बड़ा मजा आ रहा है गाइस, इस गाने का इतना एंजॉय कर रही हूँ, मतलब मैं उस गाने को खुद एंजॉय कर रही हूँ। हालांकि ये मैंने पहले कभी नहीं किया था, जुम्मे वाले दिन तो मैं घूम फिर के आ गई, फिर मैंने इसे सुना अच्छे तरीके से ना, तो आपको मजा आ रहा है मुझे करने का। बिठा आप करें ना बातें, नहीं मैं कर रही हूँ, आप इनको भी बिठाओ, खलोते नजर आए ना तो मट दे। बालों की बात हो रही है गाइस, तो आप सब एंजॉय करें, मजा ले, उनका हक बनते हैं। ये तो है देखना, मेरी खुद पर खुद ही यू शेप होगी। अच्छा उतर उतर के इसके बाल इतने उतरे हैं, इतने कलर करवाया कट और ये देखें वो सारे उतर के इतने से रह गए कि बालों का हमारा बड़ा नुकसान होता है। इसके लंबे हैं, इसके देखें आए कितने प्यारे हैं, लंबे की ज़रूरत दे नहीं हो सकता, ज़रूरत दे मेरे हो रहे नहीं नहीं, ज़रूरत दे ना बराबर शेप आ रही है, यू शेप आ गई यू गाइस, मेरी यू शेप आ गई बालों की, हालांकि मैंने कट शेप करवाया जाके तो मैंने यू नाम करे, मैंने कुछ और सुना था तो आपके तो उनके साथ कैसे हो गए? आए उसके साथ मैच, ओए अल्लाह इसके साथ जो मैं कह रही हूँ गाइस, हमारे वीडियो में शेयर कीजिएगा लाजमी और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करने हैं, शेयर भी करनी है, लाइक भी करनी है और इस वीडियो को इतना फैलाना है
कि सबको पता लग गया कि मैं स्मार्ट होने वाली हूँ अनकरे, क्योंकि मैडम सहमा जी आई है, उन्होंने मुझे काफी डांटा है कि तू इतनी मोटी हुई है, इतना तेरा पेट निकला हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। उनकी जो डांट है ना वो मेरे पल्ले पड़ गई है। रात में ख्वाब में सोई हुई ये हकीकत बताने लगी, तो ख्वाब में भी मैडम सहमा आके मुझे जहा दी, तेरा पेट बाहर निकल आया है कुछ कर। तो गाइस वो बातें मेरे से पेट की खातिर ही कुछ करने वाली है, अभी सारे पेट की खातिर है, ये भी पेट से है, मतलब पेट से है ना, पेट की खातिर कमा रही है तो पेट से ही है ना, सब सब पेट से है। जैसे लोग आपका पेट नहीं है, जैसे लोग उम्मीद से होते हैं ना, लेकिन बड़ा वाला नहीं है देखे, नहीं हो तो पेट के साथ ना। ये देखे गाइस हमारे डायरेक्टर साहब आए हैं, उनका चैनल है आशीष का चैनल जो है, इसको ये सिगरेट एक तो मना है, चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको हर आने वाली नई से नई वीडियो जल्द से जल्द मिल सके, और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरा भी एक चैनल है, वो शिराजी साहब कहेंगे। शिराजी साहब आए बताए इनका चैनल कौन सा है जी, ड्रामा फैसला। मैं बताता हूँ जी, इनको याद नहीं है, देखे मेरे दिल पे लिखो, मैं तो याद से कह रहा हूँ, मेरा चैनल है, मेरा अपना है। वो मेरा अपना है कि जी ड्रामा फैसलाबाद, जी मीन्स शान, तो जी ड्रामा फैसलाबाद आप लिखेंगे तो वो सर्च करेंगे आ जाएगा, उसको भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उसमें आपके बिल्कुल नई से नई वीडियो मिलेगी, और वो हर ड्रामे की हमारी हर ड्रामे की रिकॉर्डिंग भी उसमें मिलती है, और सारा कुछ हमारी जो एंट्री होती है ड्रामे की, हमारी जितनी भी टीम आई होती है सबकी अलग अलग इंटरव्यू, सबकी एंट्री दिखाते हैं कि एंट्री कैसे करते हैं, हम लोग पीछे काम कैसे करते हैं, तो बैक स्टेज पे कैसे कैसे लोग फनकार परफॉर्म करते हैं, कैसे तैयार होते हैं, कैसे वो एंट्री करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये सारा कुछ लोगों को मालूम नहीं थी, बस पर्दा थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ हमेशा। तो उस चैनल को भी लाइक कीजिए, शिराजी भाई के चैनल को भी लाइक कीजिए, और आप भी इनसे कहें वो लाइक करें, और हमारे उस्ताद जी हमारे सबके पर्दे फाश कर रहे हैं। वो दिखाना चाह रहे हैं पर्दे के पीछे क्या है, और इसीलिए हमारे पर्दे उन्होंने उठा दिए हैं, वो वीडियो हर किस्म की सेंड करते हैं अपने उस पे चैनल पे। मधुबी मैडम ने भी आज तक ये नहीं बताया कि चोली के पीछे क्या, उन्होंने ये बता दिया कि थिएटर के पीछे क्या है, ये दिखा दिए उन्होंने थिएटर के पीछे क्या है, खड़ी हो जो जरा आपको दिखाऊं कि थिएटर के पीछे क्या है, अपनी मौसमियां लाया जो मैं कर रही हूँ, तो शर्मिंदा तो ना होना किसी को, नहीं भी होंगे किसी के पास नहीं भी होती गाइस, ये देखे चमत्कार, ये बेहतर है, अरे बड़े सख्त है कि नहीं लाना बच्चा, वो अपनी एंजॉयमेंट लग रही है, कैसे देख रहे हैं हैरान हो गए, बस ये पता है की करते ने शो तो बाद सीने तो बहुत ला दे रहे परेशान हो Like, subscribe, share, comment and press the bell icon for more updates. Thanks for watching my channel.